हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, यानी कि जो सप्लीमेंट्री वाली बुक है, उसका सेकंड चैप्टर कवर करेंगे, द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी। बहुत ही गजब की कहानी है और जो इस चैप्टर के राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड, न तो जेम्स बॉन्ड न तो सेन बॉन्ड। ध्यान दें, इन दोनों से इनका कोई नाता नहीं है। ये है रस्किन बॉन्ड, जैसे आपने इन दोनों का नाम सुन रखा होगा, शायद उम्मीद कर सकता हूं कि इनका भी नाम सुन रखा होगा, और नहीं सुन रखा है तो आज से ध्यान रखना कि जो रस्किन बॉन्ड है वो बहुत ही फेमस ऑथर हैं इंडिया के, बहुत ही फेमस राइटर हैं, और बहुत ही जो इनकी ये कहानी है द थीफ स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरे आखिरी तक आपका दिमाग जो है इस कहानी में लगा रहेगा, बहुत मजा आएगा पढ़ के। और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा तो बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट आपको सीखने को मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारी ग्रामेटिकल चीज़ें मैं बताऊंगा, तो लाइन बाय लाइन अपनी आंखें और अपनी नज़रों को जमाए रखिएगा स्क्रीन पे, और कहानी को शुरू करते हैं। बहुत गजब की कहानी है द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी। चलिए देखिए, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, मैं अभी भी चोर था। आई वॉज स्टिल अ थीफ, स्टिल मतलब उस टाइम तक, व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला, फुल स्टॉप। एंड दो ओनली 15, और यद्यपि, दो मतलब यद्यपि, ओनली 15, केवल 15 का था, केवल 15 साल का बच्चा था ये, ध्यान दीजिएगा। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, क्या मतलब है एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, बहुत माहिर था भाई साहब, है ना। किसी भी टाइम हाथ मिलाया, घड़ी चेप दिया, पॉकेट में हाथ डाला, पर्स चेप दिया, तो मतलब चेपने में बहुत माहिर था, कुछ भी चीज़ ये खींच लेता था, यही मतलब हुआ एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये देखिए कितने अच्छे से दिखा रहा है कि मैं कितना एक्सपीरियंस था और कितना सक्सेसफुल हैंड था मेरा, कि कभी चोरी करने में मैं पीछे नहीं हटा, और जब भी हाथ लगाया तो बहुत माहिर था, एक्सपर्ट था, पकड़ा नहीं जाता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, मतलब जब ये अनिल से मिला तो 15 साल का था, ही वॉज 15 ईयर्स ओल्ड। एंड अनिल वॉज वॉचिंग, वॉज वॉचिंग आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ध्यान रखिएगा, अगर प्रेजेंट होता तो इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अनिल वॉच कर रहा था अ रेसलिंग मैच When I approached him, जब मैं उससे मिला, approach मतलब उससे जाकर मिलना एक तरह से। अब यहाँ पे एक sentence बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एक जो आप कह सकते हो कि grammatical चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है। जब मेरे पिताजी आए तो मैं खाना बना रहा था। When my father came, I was cooking food। ध्यान रखना इसको। When my father came, I was cooking food। जब वो आया तो मैं खेल रहा था, या जब मेरा दोस्त आया तो मैं खेल रहा था। When my friend came, I was playing। इसी बिल्कुल तरीके से इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया गया है कि अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उससे मिला। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 का था। तो इट मीन्स देर आर टू कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, वन इज द नरेटर हिमसेल्फ, है ना, जो थीफ है, और दूसरे जो है ये अनिल भाई साहब है जो कि 25 साल के हैं। इनका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, डैश देके बताया जा रहा है, अ टॉल यानी कि लंबा आदमी था, लीन फेलो एकदम दुबला पतला था, फेलो साथी, लीन मतलब एकदम दुबला पतला। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज, और वो दिखा, लुक्ड मतलब दिखा, इजी गोइंग मतलब बहुत आसान लग रहा था मुझे, कोई बहुत कठिन काम नहीं लग रहा था इसको जो है ठगने में, इससे चोरी करने में, इसको चेपने में, काइंड लग रहा था, थोड़ा दयालु लग रहा था, एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और मेरे पर्पज के लिए बहुत सही था। हाँ भैया, यही आदमी मुझे चाहिए था, इस बार तो इसी को निशाना बनाना है, इसकी घड़ी कार जो मिल जाए सब चुरा ले जाऊंगा इसका, है ना। तो ही लुक्ड इजी गोइंग, वो दिखा मुझे बहुत ही इजी गोइंग, काइंड दिखा और सिंपल इनफ दिखा फॉर माई पर्पज, ठीक है। तो जो कैरेक्टर अनिल है, ही इज 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल का है वो, टॉल है और थोड़ा लीन है, क्लियर। आगे देखो, आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। I had not had much luck of late. अभी जो ऑफ लेट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है रिसेंटली, हाल में। इसको बिल्कुल ऐसे ही ऑफ और फिर स्पेस देके और लेट ऐसे ही लिखा जाएगा। ऑफ लेट का मतलब है रिसेंटली, हाल में। अब हैड नॉट हैड लिखा हुआ है तो भाई मेरे, एक हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है और जो दूसरी वाली हैड है ना वो आपकी मेन वर्ब है, ध्यान रखना। अगर मैं बोल रहा हूँ आई हैव अ पेन, तो मेरे पास एक कलम है, ठीक, ये सिंपल मेन वर्ब बन जाएगी है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा आई हैव हैड अ पेन, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
एक बार हैव हेल्पिंग वर्ब है और एक बार हैड मेन वर्ब है, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, हैव हैड हैड। अब इसीलिए लिखा गया है आई हैव हैड अ पेन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है और हैड के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, हैव क्योंकि मेन वर्ब भी होती है, हैव हेल्पिंग वर्ब भी होती है, जब ये हेल्पिंग वर्ब थी तो यहाँ पे हैड लगा हुआ है और इसी की मेन वर्ब भी लगानी है, इसका थर्ड फॉर्म हैड होता है, इसीलिए हैड के साथ एक और हैड लगा हुआ है। आई होप कि आप ये चीज समझ गए होंगे। तो देखो, आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, हाल में मेरा बहुत अच्छा लक नहीं था, आई हैड नॉट हैड मच लक, बहुत अच्छा लक नहीं था ऑफ लेट हाल में, एंड थॉट और सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, कि शायद आई माइट बी, शायद थोड़ा कम जो है यहाँ पे दिखाना है प्रोबेबिलिटी, आई माइट बी एबल, शायद मैं योग्य हो जाऊँ टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, ये जो यंग मैन है 25 साल का अनिल है, इसके कॉन्फिडेंस में मैं आ जाऊँ, इसके मतलब इसको मैं अपने झांपे में ले लूँ, है ना, इसके कॉन्फिडेंस में आ जाऊँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका विश्वास मेरे ऊपर आ जाए और मैं इसको अपने झांपे में ले लूँ और फिर मैं इसको चेप दूँ, यही बात ये पूरा कहना चाह रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया, 25 साल का अनिल है, 15 साल का ये राइटर है जो थीफ है, जो अपनी कहानी नरेट कर रहा है खुद से, और अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये तो आपकी समझ लो प्रीफेस था, प्रस्तावना थी, ये आपकी स्टार्टिंग थी। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, कैसे जब वो जाता है और अनिल जो है, अनिल वॉज वॉचिंग रेसलिंग मैच, अनिल जो है एक रेसलिंग मैच को वॉच कर रहा था, दैट टाइम ही अप्रोच्ड हिम, उसी समय उसने क्या किया, उसको अप्रोच किया। अब शुरुआत कैसे करें, तो देखो कभी भी ना चापलूसी करने में माहिर होना चाहिए, चापलूसी करना बड़ा जरूरी होता है और आप अच्छे तरीके से करना चाहिए, सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, आप कैसा कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं मिला, जरूरी है इतना बोलना, है ना, इतना बहुत जरूरी है। अब देखो कैसे स्टार्ट कर रहा है, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, यार तुम खुद ही एक रेसलर के तरीके से दिख रहे हो, यू लुक अ बिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, मतलब कुछ हद तक हल्का फुल्का ना यार, तुम खुद ही रेसलर दिख रहे हो, आई सेड, मैंने कहा। अभी देखो आई सेड के पहले कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में बात लिखी गई है, तो जो बात जैसे बोली थी वैसे ही लिखा गया है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता, क्लास टेंथ में हो तो इतनी बात समझ गए। फुल स्टॉप, अ लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब चापलूसी, मक्खन लगाना, मक्खन लगाना समझते हो ना, ब्रेड पे लगाने वाला नहीं, ये जो बोल के लगाते हो, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी सी चापलूसी कर दीजिए और दोस्त बना लीजिए, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स, मदद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इन मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में, ये एक फैक्ट है, एक फैक्ट के तौर पे यहाँ बोला जा रहा है, और फैक्ट के तौर पे जब भी कोई बात बोली जाएगी तो आपको पता ही होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दीजिए। आगे देखो, उस्ताद निकला वो कौन, अनिल, उसने बोल दिया सो डू यू, तुम भी तो रेसलर लग रहे हो, सो डू यू, अब तो भाई साहब के नीचे से, पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, एक तो वो खुद ही 25 साल का दुबला पतला आदमी और वो रेसलिंग मैच देख रहा था, इन्होंने सोचा कि अपने झांपे में लेने के लिए लव बोल ही देते हैं, भाई तुम तो रेसलर लग रहे हो, थोड़ा बहुत यार देखो, यार देखो तुम खुद रेसलर लग रहे हो। अब उसने क्या जवाब दे दिया, ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया सो डू यू, तुम भी तो दिख रहे हो, सो डू यू, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, अब ये जब उसने रिप्लाई किया दैट पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, उसने मुझे थोड़े समय के लिए एकदम परेशान कर दिया, पुट मी ऑफ का मतलब मैं बेचैन हो गया, परेशान हो गया, या फिर थोड़ा सा दिमाग में जो है उसके खिलाफ जो है डिसलाइक आ गई मेरे मन में, एट दैट टाइम, उस समय के लिए आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस समय के लिए मैं तो उससे भी ज्यादा दुबला पतला था, वो जितना दुबला पतला नहीं था उससे ज्यादा दुबला पतला तो मैं था, आई वॉज रादर थिन, वेल आई सेड मॉडेस्टली, मैंने बड़े विनम्रता के साथ कहा ठीक है, आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ी बहुत तो रेसलिंग करता हूँ, आई डू रेसल अ बिट, अब उसने थोड़ा समझा के कहा ठीक है मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग करता हूँ, वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया, जब उसने पूछा अनिल ने तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने कह दिया हरी सिंह, और लाई की सेकेंड फॉर्म होती है लाइड, लाई मतलब झूठ बोलना, आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम लेता था, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ,
दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और यही चीज मुझे पुलिस से आगे रखती थी, दैट केप्ट मी, कीप की सेकेंड फॉर्म है केप्ट, दैट केप्ट मी, ये चीज मुझे रखती थी अहेड ऑफ द पुलिस, पुलिस से आगे, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, फॉर्मर मतलब पहले वाले, जो पहले वाले एम्प्लॉयर्स थे, जो पहले वाले जॉब देने वाले लोग थे, उनसे आगे। हर महीने एक नया नाम रखता था, हर महीने किसी के घर जाके चोरी करता था, कुछ न कुछ चुराता था, जब तक चोरी नहीं करता था मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलती थी, क्योंकि मैं एक नंबर का चोर था और 15 साल की उम्र में ही मैं बहुत माहिर हो चुका था। तो इसीलिए हर महीने नया नाम रखता था ताकि मैं पुलिस से भी आगे रह सकूं, मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो, और मुझे तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, कुछ इस तरह का इसका सोच था। ठीक, आगे देखो। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, जब मैंने बता दिया कि मैं हरी सिंह हूँ और ये सब बातें हो गई, तो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अब जब ये इंट्रोडक्शन हो गया तो अनिल क्या बातें करने लगा, वेल ऑयल्ड रेसलर्स, रेसलर मतलब वो जो कुश्ती लड़ने वाले थे, और वेल ऑयल्ड मतलब अच्छे से पूरे बॉडी पे तेल से लगाए, तेल लगाए हुए, मसाज किए हुए पूरे अपने शरीर की। तो अनिल टॉक्ड, अनिल ने बात किया अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, वो जो रेसलर्स थे, आपको पता ही है पहलवान क्या करते हैं, है ना, तो रेसलिंग कैसे करते हैं, वो वेल ऑयल्ड थे, वेल ऑयल्ड मतलब शरीर पे पूरे ढंग से तेल लगाए हुए थे, हु वर ग्रंटिंग, और कौन से रेसलर्स, रेसलर्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो बताया जा रहा है रेसलर्स कौन से रेसलर्स, हु वर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे, हाँ मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, कुछ इस तरह का, तो हु वर ग्रंटिंग लिफ्टिंग, उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को इधर उधर पटक रहे थे। ग्रंट का मतलब हो गया गुर्राना, है ना। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास बहुत कुछ नहीं था कहने को। अब जब वो रेसलर्स के बारे में बात करने लगा और ये कुछ रेसलिंग के बारे में जानता, इसने तो झूठ बोल दिया, है ना, कि आई डू रेसलिंग रेसल लिटिल बिट, अभी तो इसने झूठ बोल रखा था। लेकिन जब उसने रेसलिंग के बारे में बात करनी शुरू कर दी तो इसके पास कुछ कहने को नहीं था, तो इसने क्या बोला, आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ कहने को नहीं था, और अनिल वॉक्ड अवे, अनिल वहां से चला गया, फुल स्टॉप के बाद दिखा गया है, अनिल वॉक्ड अवे। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसको कैजुअली फॉलो किया। देखो कैजुअल आपका एडजेक्टिव होता है, कैजुअल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और आमतौर पर एडजेक्टिव में एलवाई लगाकर एडवर्ब बनाते हो, और एडवर्ब जो है आपको ज्यादातर वर्ब को डिफाइन करने में दिखेगा। फॉलो शब्द आपका वर्ब है, वर्ब के बारे में जो बताएगा वो एडवर्ब होगा। आई फॉलोड, मैंने फॉलो किया, और कैसे फॉलो किया, कैजुअली फॉलो किया, समझ में आ गया। आगे देखो, हेलो अगेन ही सेड, एक बार फिर से उसने कहा, हेलो, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उसको अपनी सबसे अट्रैक्टिव, अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिव स्माइल जो है दिखा दी। हेलो अगेन का मतलब क्या हुआ, जब उसने रेसलिंग के बारे में बात करनी शुरू की थी, चुप हो गया और चुपचाप वहां से चला गया, और उसी को पीछे पीछा करते हुए ये भी उसके पीछे पीछे चल दिया, जैसे एक जगह से दूसरी जगह कहीं गया होगा किसी कमरे में, तो ये भी उसको फॉलो कर लिया। हेलो अगेन ही सेड, उसने बोला, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको अपनी सबसे जो अट्रैक्टिव स्माइल थी वो दिखा दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहा है, ये राइटर यानी कि जो चोर है वो बोल रहा है, यानी कि जो हरी सिंह जिसने अपना नाम रखा हुआ है वो बोलता है। सबसे पहले तो उसको अपना सबसे अट्रैक्टिव, अपीलिंग मतलब सबसे अट्रैक्टिव जो स्माइल होती है, खूब अच्छे से जो मुस्कुरा सकता था वो मुस्कुराया, पहले दांत दिखाया उसने, और फिर बोला, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ सर। आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू यू, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, किस तरह से, बट आई कांट पे यू। लेकिन देखो ये आपस में ना उस्ताद थे एक तरह से, ये कुछ भी बोलता था उसका जवाब उसके पास अनिल के पास होता था। तो जब इसने कहा कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, तो उसने बोला बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुमको पे नहीं कर सकता हूँ, करो काम, आओ बैठो, करो काम जो करना हो, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, आई कांट पे यू। आई थॉट डेट ओवर फॉर ए मिनट, अब इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, तो अब क्या सोच रहा है, आई थॉट, थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट, आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैं एक मिनट के लिए कुछ सोचा थोड़े देर के लिए। परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, लग रहा है यार गड़बड़ आदमी पकड़ लिया मैं, है परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, लग रहा है इस बार गलत घर में हाथ लगा दिया भाई, इस बार तो हरी सिंह गए तुम काम से। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, फिर मैंने कहा चलो ठीक है पैसा नहीं दे सकते, कुछ और सोचते हैं, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, उधर से क्या जवाब आया, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो, खाओ बोलो, खाओगे,
आओ, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो, फीड कर दूंगा तुमको, आ जाओ खाना खा लो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, चोर था, झूठ बोलने में माहिर था, पहले हरी सिंह नाम बताया, रेसलिंग भी बता दिया करता हूँ, उससे ज्यादा दुबला पतला था, है ना, और फिर बोल रहा है आई कैन कुक, मैं खाना बना सकता हूँ, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अब देखो यहाँ पे इफ के साथ देन का यूज नहीं करना चाहिए था, इफ कंजंक्शन है तो सीधे होना चाहिए था इफ यू कैन कुक मे बी आई कैन फीड यू, हो सकता है कि मैं तुम्हें फीड कर दूं। तो यदि तुम खाना बना सकते हो, इफ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो भाई, ठीक है, आ जाओ, मे बी, हो सकता है, आई कैन फीड यू, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। फीड का मतलब होता है खाना खिलाना, फीड करना, ठीक। आगे देखो, ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वो मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने रूम में ले गया, ही टुक मी, वो मुझे लेकर गया टू हिज रूम अपने कमरे में, ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जो जमुना स्वीट शॉप थी उसके ऊपर उसका कमरा था, वहां पर ले गया, एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पे सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन जो खाना, ये खाना तो बोल देते मैं खाना बना सकता हूँ, लेकिन कभी खाना तो बनाया नहीं था, अब उसने बनाया खाना, और आप तो जानते ही हो, जब आपने कभी कुछ खाना नहीं बनाया हो ना, तो आप खाने का कबाड़ा ही करोगे, है ना। दाल जब आप बनाने जाओगे, और जब आपने कभी पहले दाल नहीं बनाई होगी, तो 15-20 सीटी दिलवा दोगे, दाल उसी में जला दोगे, दाल में पूरा कुकर भर के पानी भर दोगे, इस तरह का काम करोगे। इसने भी खाना बनाया, बट द मील, लेकिन जो खाना था, द मील, कौन सा मील, आई कुक्ड दैट नाइट, जो मैंने उस रात बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, निश्चित तौर पे बहुत भयानक रहा होगा, बहुत खराब रहा होगा, बहुत ही बुरा रहा होगा। बट द मील आई कुक्ड, लेकिन जो खाना था, आई कुक्ड, जो मैंने बनाया था दैट नाइट, उस रात, मस्ट हैव बीन टेरिबल, निश्चित तौर पे, मस्ट हैव बीन का मतलब निश्चित तौर पे बहुत खराब रहा होगा, बहुत टेरिबल रहा होगा, बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, अनिल ने उस खाने को एक आवारा कुत्ते को दे दिया, ले जाओ भाई खाओ, तुम खाओ, ये लो तुम खाओ ये, एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा टू बी ऑफ, निकलो यहाँ से, टू बी ऑफ का मतलब निकलो यहाँ से, चलो उठाओ अपना ये जो बोरिया बिस्तर लेके आए थे, जो तुम बातें कर रहे थे इधर उधर की, चलो निकलो बेटा, उठो उठो निकलो। बट आई जस्ट हंग अराउंड, हैंग अराउंड का मतलब होता है वहीं मटराते रहना, हैंग की सेकेंड फॉर्म है हंग, लेकिन आई, मैं जस्ट हंग अराउंड, मैं वहीं मटराता रहा, हंग अराउंड, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और वही मुस्कुराहट मुस्कुराता रहा, अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिव तरीके से, उसी अट्रैक्टिव तरीके से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा, एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो अपनी हंसी नहीं रोक सका। देखो, जब भी आपको इस तरह से स्ट्रक्चर यूज करना हो कि मैं अपनी हंसी नहीं रोक सकता हूँ, आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं जब मैं उसको देखा ना सर, मैं अपनी हंसी, मैं इतना हंसा एकदम पागल हो गया था। तो व्हेन आई सॉ हिम आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग का मतलब मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। आप ये स्ट्रक्चर डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कैनॉट हेल्प लाफिंग प्रेजेंट में, और कैन को पास में ले जाना तो कुड नॉट हेल्प लाफिंग, समझ में आ गया। आगे देखो, लेटर मतलब बाद में। देखो तीन लेटर होते हैं, एक होता है LETTER, लेटर मीन्स पत्र, एक होता है LATER, लेटर मीन्स बाद वाला, जैसे भी फॉर्मर आया था ना, FORMER, थोड़ी देर पहले फॉर्मर आया था, तो उसी का साथी होता है LATER, लेटर। फॉर्मर मतलब पहले वाला, जैसे फॉर्मर इम्प्लॉइज, तो लेटर मतलब बाद वाला। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये लेट की कंपरेटिव डिग्री है लेटर, LATER, लेट होता है और लेट कंपरेटिव डिग्री है लेटर। बाद में ही पैटेड मी ऑन द हेड, क्लियर हो गया, ये न तो पत्र वाला लेटर है न तो बाद वाला लेटर है, ये लेट की कंपरेटिव डिग्री है, ठीक। लेटर बाद में ही पैटेड मी, पैट मतलब थपकी देना, ऑन द हेड, मेरे सर पे, एंड सेड नेवर माइंड, और बोला ठीक है यार चलो कोई बात नहीं, खाना ही तो खराब बनाए थे, कोई बात नहीं, कुत्ता तो खाया कम से कम, नहीं कोई खाया तो। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। और बाद में उसने कहा ही वुड, ये जो अपोस्ट्रोफी लेके डी लगा हुआ है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या बोला जा सकता है, हैड तो होगा नहीं, क्योंकि हैड होता तो टॉट हो जाता, तो यहाँ पे अच्छा विल है नहीं, वुड ही होगा, ठीक। तो ही वुड टीच मी टू कुक, क्योंकि विल का पास्ट वुड हो जाएगा, तो वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। बाद में उसने मेरे सर पे थपकी दी और कहा नेवर माइंड, अरे कोई बात नहीं यार चलो ठीक है हो गया कोई बात नहीं, हाँ चलो। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मेरा नाम लिखना मुझे सिखाया। ही ऑल्सो टॉट मी, टीच की सेकेंड फॉर्म है टॉट। ही ऑल्सो टॉट मी
टू राइट माई नेम एंड सेड, और कहा ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और बहुत जल्द, सून बहुत जल्द, टीच मी मुझे सिखाएगा टू राइट लिखना होल सेंटेंसेस पूरे पूरे वाक्य, एंड टू एड नंबर्स और नंबर्स को जोड़ना। पहले तो उसने मुझे क्या किया, ही टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी, जल्दी मुझे सिखाएगा टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू एड नंबर्स, नंबर्स को जोड़ना और पूरा वाक्य लिखना। आई वॉज ग्रेटफुल, ध्यान रखना GREAT नहीं GRATE, दोनों में अंतर है। ग्रेट मतलब महान होता है और ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ होता है, आभारी होना, कृतज्ञ होना। मैं बहुत कृतज्ञ था, आई वॉज ग्रेटफुल, क्योंकि आपको पता है शिक्षा जो है बहुत बड़ी चीज होती है, अगर ज्ञान मिल रहा है तो ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। आई न्यू, मैं जानता था, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू है, मैं जानता था दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एडुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। एक बार मैं पढ़े लिखे आदमियों की तरह, क्योंकि इसको आता तो था नहीं, अब 15 साल की उम्र में अपने आप को बता रहा है बहुत बड़ा चोर है, बहुत शातिर चोर है। तो आप सोच लीजिए इसका बचपन कैसा रहा होगा, 15 साल की उम्र में लड़के जो है पढ़ना लिखना सीखते हैं, 9-10 में पढ़ते हैं, उस समय ये चोरी कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं इसका पास्ट क्या रहा होगा और फ्यूचर कहाँ जाएगा। तो इसीलिए समझ गया ये, आई न्यू, मैं जानता था दैट कि वंस आई कुड राइट, एक बार मैं अगर लिख सका लाइक एन एडुकेटेड मैन, एक पढ़े लिखे आदमी की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होगी, देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, कि क्या मैं अचीव कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं होगी इसकी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और ये काफ़ी अच्छा था अनिल के लिए काम करना, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, ये काफ़ी अच्छा था, क्वाइट प्लीजेंट मतलब काफ़ी अच्छा था वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम, और उसके बाद मैं अपना समय लेता था बाइंग द डे सप्लाईज, दिन के जो जरूरत की चीज़ होते थे, डे सप्लाईज का मतलब दिन की जरूरत की जो चीज़ें होती थी, कुछ सामान लेना है घर में या कुछ चाहिए, तो वो सब लाने में अपना टाइम ले लेता था। आई मेड द टी, मैं चाय बनाता था, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग सुबह, एंड देन वुड टेक माई टाइम, और उसके बाद अपना समय लेता था बाइंग द डे सप्लाईज, दिन की जरूरत की चीज़ों को लाने में, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और आमतौर पर यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट, फायदा कमाता था ऑफ अबाउट अ रुपी, लगभग एक रुपए के आसपास अ डे, एक दिन में मेरा एक काम था, चाय बनाता था और दिन में जरूरत की जो सामान होती थी दोपहर में जाके वही सब लाता था, और दिन भर में यहाँ पे भी एक रुपया अपना दिमाग लगा के कमा लेता था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही न्यू, वह जानता था, अब ये कहानी इस समय बता रहा ना प्रेजेंट में, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही न्यू, वह जानता था, आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, इस तरीके से मैं कुछ पैसे कमाता हूँ, सब्जी लाने में एक रुपया ले लेता हूँ, है ना, कुछ सामान लेता हूँ तो एक रुपया उसमें से निकाल लेता हूँ, मतलब इधर उधर करके कमा लेता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो माइंड करता था, वो ऐतराज करता था। बट लेकिन ही डिड नॉट सीम टू माइंड, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वो माइंड करता था, माइंड करना मतलब ऐतराज करना, समझ में आया। चलो, तो ये जो स्टोरी हमने पढ़ी ये अभी पार्ट वन है, इसके आगे की स्टोरी हम पार्ट टू में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको कहानी से कुछ सीखने को मिलता है, तो इसके बाद का सेशन हम पार्ट टू में करेंगे, इसके बाद की जो स्टोरी वो पार्ट टू में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।